सिद्धू मूसेवाला ने किसे माना था अपना गुरु? दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने किन्हें अपना गुरु माना था, वे कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। बहुत ही दिलचस्प आपको खबरें पता पड़ने वाली है। इसको जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सिद्धू मूसेवाला की मौत को एक संयोग कहें या नियति, दुर्भाग्य कहें या विडंबना, कि बचपन से जिस आर्टिस्ट को उन्होंने अपना आदर्श माना, जिसे देखकर सिद्धू के अंदर गायकी का हुनर पैदा हुआ, उन्हें कामयाबी और मौत दोनों बिल्कुल उस शख्स जैसी ही मिली। पंजाब के पॉपुलर सिंगर और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह यानी सिद्धू मूसेवाला की रविवार को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिद्धू की मौत से उनके फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं कैसे पैदा हुआ गाने का जज्बा। सिद्धू का मन बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगता था। पंजाबी स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए वो स्कूल के दिनों में ही इंग्लिश रैप और हिप हॉप म्यूजिक के करीब आ गए थे। इसी बीच अमेरिकी रैपर टूपैक शकूर के गानों ने सिद्धू के मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। सिद्धू टूपैक के गाने सुनते और उनका मतलब समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे सिद्धू ने टूपैक के स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया और पंजाबी में अपने गाने कंपोज करने लगे। अब टूपैक शकूर कौन थे? टूपैक का नाम दुनिया के बेस्ट रैपर में गिना जाता है। उनके गानों में सामाजिक मुद्दों की झलक भी देखने को मिलती है। उनके सो मैनी टीयर्स, कैलिफोर्निया लव और टू ऑफ अमेरिकाज मोस्ट वांटेड जैसे कुछ गाने बहुत फेमस हैं। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी, टूपैक की मौत भी बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की तरह ही हुई थी। टूपैक शकूर और सिद्धू मूसेवाला की सिंगिंग और सक्सेस लाइफ जितनी मेल खाती है, दोनों की मौत भी उतनी ही दर्दनाक तरीके से हुई। 7 दिसंबर 1996 को लॉस एंजलिस में एक अज्ञात हमलावर ने कार में बैठे टूपैक की गोली मारकर हत्या कर दी। टूपैक सिर्फ 25 साल के थे। इस घटना के लगभग 25 साल बाद पंजाब के मानसा जिले में भी बिल्कुल एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया, जहां हमलावरों के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू की मौत के बाद उनका आखिरी गाना द लास्ट राइड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने को सुनकर लगता था कि जैसे सिद्धू अपनी किस्मत के बारे में पहले से जानते। दरअसल गाने में सिद्धू ने अपनी जवानी में मर जाने का जिक्र किया है। गाने में सिद्धू कहते हैं, ऐदा उठिए जवानी विद जनाजा मिठी, यानी जवानी में ही जनाजा उठे। सिद्धू के इन आखिरी लफ्जों को सुनकर उनके फैंस की आंखें आज नम। सिद्धू की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनका 295 सॉन्ग भी बहुत वायरल हो रहा है। इस गाने को फैंस उनकी मौत की तारीख से कनेक्ट कर रहे हैं। दरअसल सिद्धू की हत्या 5वें महीने की 29 तारीख को हुई। इन डिजिट्स को अगर हम न्यूमेरिक ऑर्डर में देखें तो ये 295 नंबर बनता है, जो कि सिद्धू के एक बड़े फेमस सॉन्ग का टाइटल भी है।